उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों के बाहर निकलने का इंतजार लंबा होता जा रहा है। मजदूर 15 दिनों से सुरंग में फंसे हुए हैं। ड्रिलिंग में लगाई गई मशीन भी टूट चुकी है, जिसके बाद अब दूसरे विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही अब सुरंग में मैनुअल ड्रिलिंग की जाएगी और वर्टिकल ड्रिलिंग पर भी काम शुरू कर दिया गया है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जिस तरह से चुनौतियां सामने आ रही हैं, उससे फिलहाल यही लग रहा है कि सुरंग में फंसे मजदूरों को निकलने में अभी और लंबा वक्त लग सकता है। सुरंग में फंसे 41 मजदूरों के परिवार का इंतजार लंबा होता जा रहा है। सुरंग की खुदाई में लगी मशीनों के खराब होने और मशीन टूटने की वजह से इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कई तरह की दिक्कतें भी आ रही है। 15 दिनों से 41 मजदूर सुरंग में फंसे हुए हैं और बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं। शासन और प्रशासन इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करने में अब दूसरे विकल्पों पर भी विचार कर रहा है। ऑगर मशीन खराब होने के बाद अब मैनुअल खुदाई की तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि पाइप के जरिए एक दो इंजीनियर भीतर जाएंगे और हाथ और छोटी मशीनों की मदद से आगे की खुदाई करेंगे। ऐसे में इसमें काफी समय भी लगेगा। उत्तराखंड में उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में 14 दिन बीत जाने के बाद भी फंसे मजदूरों को बाहर निकालने का रास्ता साफ नहीं हो पाया। इस बीच उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रेस्क्यू में जुटी केंद्र और राज्य सरकार की टीमों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए नई रणनीति पर भी चर्चा हुई। सुरंग में मलबा हटाने का काम शुक्रवार को एक बार फिर ड्रिलिंग करने वाली ऑगर मशीन के खराब हो जाने की वजह से रुक गया था, जिसे ठीक करने में रेस्क्यू टीमें जुटी हुई हैं। बताया गया कि अब तक करीब 50 मीटर तक मलबा हटाया जा चुका है और करीब 8 से 10 मीटर मलबा हटाया जाना अभी बाकी है। ठीक से हैं, सभी स्वस्थ भी हैं, तो सभी ऑप्शंस पर हम काम कर रहे हैं। लेकिन इस बीच ड्रिलिंग करने वाली ऑगर मशीन दो बार खराब हो जाने की वजह से मजदूरों को बाहर निकालने का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए दूसरे तरीकों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। उत्तराखंड की उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में 14 दिन बीत जाने के बाद भी फंसे मजदूरों को बाहर निकालने का रास्ता साफ नहीं हो पाया और इस बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रेस्क्यू में जुटी टीमों के साथ हाई लेवल मीटिंग, जिसमें सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए नई रणनीति पर भी चर्चा हुई। सुरंग में मलबा हटाने का काम शुक्रवार को एक बार फिर ड्रिलिंग करने वाली ऑगर मशीन के खराब हो जाने की वजह से रुक गया था, जिसे ठीक करने में रेस्क्यू टीमें जुटी हुई हैं। बताया गया कि अब तक करीब 50 मीटर तक मलबा हटाया जा चुका है और करीब 8 से 10 मीटर मलबा हटाया जाना अभी बाकी है। ठीक से हैं, सभी स्वस्थ भी हैं, तो सभी ऑप्शंस पर हम काम कर रहे हैं। लेकिन इस बीच ड्रिलिंग करने वाली ऑगर मशीन दो बार खराब हो जाने की वजह से मजदूरों को बाहर निकालने का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए दूसरे तरीकों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग से मजदूरों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू टीम अब मैनुअली मलबा हटाने का काम करेगी। ये फैसला मलबा हटाने के काम में जुटी मशीन के बार बार खराब हो जाने की वजह से लिया गया। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दावा किया है कि जैसे ही सुरंग के अंदर से ड्रिलिंग मशीन ऑगर को बाहर निकाला जाएगा, उसके बाद मैनुअली मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा सुरंग के अंदर पहुंचने के लिए वर्टिकल ड्रिलिंग का काम भी शुरू हो गया है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मॉर्निंग तक ये जो है मशीन पूरी निकल जाएगी और निकलने के बाद उसके बाद मैनुअली उस पर आगे बढ़ेंगे। 14 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक सुरंग के अंदर फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने का रास्ता साफ नहीं हो पाया है, जो कि सभी के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। सुरंग में फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एक साथ कई मोर्चों पर काम शुरू हो चुका है। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ऐसे में अब रेस्क्यू टीम वर्टिकल ड्रिलिंग के विकल्प पर भी काम कर रही है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अब वर्टिकल ड्रिलिंग की भी शुरुआत की जाएगी। तस्वीरें फिलहाल इस वक्त दिखा रहे, तो देखिए नई नई मशीनें जो है जो सड़कों पर फिलहाल खड़ी थी वो अब अंदर की तरफ आने लगी है। ड्रिलिंग मशीन का हिस्सा है जो अंदर की तरफ आया है, जिससे ड्रिलिंग की जाती है और इसको भी इस्तेमाल करने की जो बारी है वो आ रही है और इस वजह से एक एक करके तमाम मशीनें जो हैं बाहर आती जा रही हैं। अब ज़रा हाइट पर अगर आप देखेंगे तो आपको वो ऊपर जो मशीन है वो नज़र आएगी जो ड्रिलिंग के लिए पहुंचाई जा रही है और ये लाल रंग की जो मशीन आपको ऊपर नज़र आ रही है ये ड्रिलिंग का आगे का हिस्सा है जिसमें पार्ट्स लगते हैं अलग अलग। तो जो नीचे का हिस्सा हमने दिखाया वो उसी मशीन में लगने वाला पार्ट है और ऊपर जहाँ आप देख रहे हैं ये मशीन लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रही है, यानी कि जैसा कि कहा जा रहा था कि 5 मोर्चों में एक साथ काम हो रहा है, तो ऐसे में वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारियाँ यहाँ पर दिखने लगी हैं। ये ड्रिलर का एक इक्विपमेंट नज़र आ रहा है, ड्रिलिंग मशीन का एक पार्ट नज़र आ रहा है और ऊपर वो ड्रिलिंग मशीन का आगे का हिस्सा भी लगातार पहाड़ियों के रास्ते ऊपर बनता हुआ दिख रहा है।
उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन पर इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट ऑनर डिग्स के मुताबिक मजदूरों को बाहर निकलने में अभी एक महीने का वक्त और लग सकता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक मलबा अमेरिका की ऑगर ड्रिलिंग मशीन के जरिए हटाया जा रहा था, लेकिन पिछले चार दिनों में ऑगर मशीन दो बार खराब हो गई। टनलिंग एक्सपर्ट ऑर्नल डिक्स ने बताया कि ऑगर मशीन के ब्लेड टूट जाने की वजह से आगे का रेस्क्यू ऑपरेशन मैन्युअली किया जाएगा, यानी 50 मीटर के आगे मजदूरों तक पहुंचने के लिए सुरंग से मजदूरों की मदद से सावधानी पूर्वक और धीरे धीरे मलबा हटाने का काम किया जाएगा। If it has a big collapse, this would be a terrible thing. So we are, it's like walking on glass. जिसमें सुरंग के अंदर फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने में एक महीने का वक्त लग सकता है, यानी उन मजदूरों को सुरंग से बाहर निकलने में क्रिसमस तक का भी समय लग सकता है।